क्वेश्चन नंबर फोर, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर नंबर्स के सेट दिए हुए हैं और इन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले कौन सा आएगा जो ग्रेटेस्ट होगा और लास्ट में कौन सा आएगा स्मॉलेस्ट आएगा। तो ए में हम देखते हैं डेसिमल्स का सेट जो दिया हुआ है 0.1, 0.01, 0.001, 1.1, 1.01। अब इन्हें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये अनलाइक डेसिमल्स है, तो इन्हें पहले हम लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0.01 में 2 डेसिमल प्लेस हैं, 0.001 तो यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, 0.1 1 डेसिमल प्लेस है, 1.1 1 डेसिमल प्लेस है, 1.01 2 डेसिमल प्लेस है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 3। 0.01 यहाँ पे दिया हुआ है तो इन सभी को हम क्या करेंगे, 3 डेसिमल प्लेस का बना लेंगे। जैसे 0.1 लिखा हुआ है, 0.1 तो 1 डेसिमल प्लेस का नंबर है, तो इसे 3 डेसिमल प्लेस का नंबर बनाना है तो 20 और प्लेस कर देंगे। 0.01 लिखा हुआ है तो 0.01 एक जीरो और प्लेस कर देंगे, तो ये भी 3 डेसिमल प्लेस का नंबर हो गया, इसके डेसिमल प्लेसेस में 3 डिजिट हो गए। 0.001 इसमें तो पहले ही 3 डेसिमल प्लेसेस थे। 1.1 तो 20 और प्लेस कर देते हैं तो ये भी 3 डेसिमल प्लेस का नंबर हो गया, और इसी तरह से लास्ट में दिया 1.01 तो यहाँ पर 10 और प्लेस कर देते हैं तो ये भी 3 डेसिमल प्लेस का नंबर हो जाएगा। अब इन्हें अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटेस्ट नंबर पहले आएगा, तो कंपेरिजन कैसे करते हैं होल पार्ट का, तो किसी भी डेसिमल में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होल पार्ट और डेसिमल पार्ट्स, तो होल पार्ट का कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो ग्रेटेस्ट कौन से होंगे, जहाँ पर होल पार्ट 1 होगा, 0 से ग्रेटर होता है 1, तो ये दोनों बाकी तीनों से ग्रेटर हैं। अब इन दोनों में ग्रेटर कौन है, तो देखिए फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो इन दोनों में ग्रेटर कौन सा हो गया, ये वाला, तो इसको लिख देते हैं 1.100, ये ग्रेटर है किससे, 1.010 से, 1.010 से। अब ये दोनों ही ग्रेटर हैं इन तीनों से, तो इन तीनों में कौन ग्रेटर है, तो देखिए फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, दैट मीन्स ये 1 वाला ग्रेटर होगा, तो यहाँ लिखेंगे 0.100। अब इन दोनों में देखना है ग्रेटर कौन सा है, तो इसके फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, इसके सेकंड डेसिमल प्लेस पे 1 है और यहाँ पर 0 है, तो 1 वाला ग्रेटर होगा, तो इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, लिख लेते हैं इसे। अब लास्ट में बचता है 0.001, तो ये स्मॉलेस्ट होगा। इस तरह से हमने गिवन डेसिमल्स को अरेंज कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट यहाँ पे हमने लाइक डेसिमल्स बना के लिखा हुआ था। अब वापस से इनको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे कि 1.100 किसकी जगह लिखा हमने, तो यहाँ पर 1.100 किसकी जगह लिखा हमने, 1.1 की जगह, तो यहाँ पर 1.1 लिख लेते हैं, यहाँ 100 लिख देते हैं, 100 जिस तरह से क्वेश्चन लिखा था उसी फॉर्म में लिख देते हैं, 1.1, 1.01 ग्रेटर देन 0.1, फिर ग्रेटर देन 0.01 और लास्ट में 0.001। जिस फॉर्म में क्वेश्चन में लिखा हुआ था उसी फॉर्म में हमने इन्हें वापस से अनलाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया और ये है आंसर होगा। इस तरह से गिवन डेसिमल्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। देखते हैं नेक्स्ट, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए 3.1, 0.75, 3.01, 0.57, 2.3, 2.03, तो पहले कौन सा आएगा, ग्रेटेस्ट आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो होल पार्ट से कंपेरिजन शुरू करते हैं, तो यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो होल पार्ट में ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 3, तो 3 वाला डेसिमल ग्रेटर होगा। अब इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, तो देखिए इसके फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 1 है और इसके फर्स्ट डेसिमल पे 0 है, तो ग्रेटर कौन होगा, 3.1, तो हम लिख सकते हैं 3.1 इज ग्रेटर देन 3.01। अब ये दोनों किससे ग्रेटर हैं, जहाँ पर होल पार्ट 3 से कम है, 0 है ये भी इन दोनों से कम है, 0 है ये भी इन दोनों से कम है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो इनसे जस्ट स्मॉलर कौन से होंगे, 2 वाले, तो 2.3 और 2.03 देखेंगे। अब इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, 2.3, 2.03, यहाँ पर होल पार्ट में 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ फर्स्ट डेसिमल प्लेस 3 है, यहाँ पर 0, तो 3 ग्रेटर होगा, दैट मीन्स इन दोनों में पहले कौन सा आएगा, 2.3, तो लिखते हैं 2.3, इसके बाद 2.03। अब
इसके बाद वो डेसिमल आएंगे जहां पर होल पार्ट जीरो है, तो यहां पर जीरो है और यहां पर जीरो है। अब इन दोनों में ग्रेटर कौन सा होगा, तो 0.7 है 0.5 है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 7 है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 5 है, तो ये ग्रेटर होगा। तो हम देखेंगे 0.75 किससे ग्रेटर है, 0.57 से, तो स्मॉलेस्ट हो गया 0.57, तो ये ग्रेटेस्ट है स्मॉलेस्ट है। अब हम लिखेंगे अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट क्या आया 3.1। अगर आप ग्रेटर देन साइन का यूज नहीं करना चाहते, कॉमन लगा लिखना चाहते, तो हम लिख सकते हैं डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर 3.1, 3.01, 2.3, 2.03, 0.75 और लास्ट में 0.57। तो इनको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ए में हमने इस तरह से सॉल्व किया था, पहले उनको डेसिमल्स में लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट किया, फिर इस तरह से अरेंजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करके इस तरह से लिखा। और बी में हमने क्या किया, डायरेक्ट ही जो ग्रेटेस्ट है उसको पहले लिखा, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, लास्ट में स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे हमने उन्हें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट नहीं किया और सीधे हमने इस तरह से आंसर निकाल लिया। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ए में किया है और जैसा बी में किया है उस तरह से भी आप इसे कर सकते हैं। तो बी में हमने इस तरह से आंसर फाइंड कर लिया है। आइए देखते हैं इसका सी। तो सी में डेसिमल्स दिए हुए हैं, अब इनमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो ग्रेटेस्ट कौन सा है, 1 यहाँ पे होल पार्ट है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो जहाँ पर होल पार्ट 1 है तो वो तो स्मॉलर होंगे जहाँ पर होल पार्ट 2 है उनसे। तो अब 2 वाले देखते हैं, तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर, इन तीनों में देखते हैं ग्रेटर कौन सा होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट डेसिमल प्लेस पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 0 वाला तो इन दोनों से स्मॉलर हो गया। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। अब इसके बाद सेकंड डेसिमल प्लेस पे कुछ नहीं दिया, दैट मीन्स ये 0 है और ये 3 है, तो इन दोनों में कौन सा ग्रेटर होगा, 3 वाला। तो पहले क्या आएगा, 2.13 इज ग्रेटर देन 2.1 और इन दोनों से स्मॉलर कौन था, 2.01। तो यहां लिखेंगे 2.01। अब उन डेसिमल्स को देखने हैं जिनमें होल पार्ट 1 है, तो यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है। फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर 8 है, तो इन दोनों से ये स्मॉलर हो गया, तो ये लास्ट में आएगा। अब इन दोनों में पहले कौन सा आएगा, तो 1.9 इसके बाद 9 के बाद 3 दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया मतलब 0 है, तो 1.93 1.9 से ग्रेटर होगा। तो हम लिखेंगे 1.93 इसके बाद 1.9 और लास्ट में आएगा 1.87, तो ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट। अब हम लिखेंगे डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर, तो अब ये ग्रेटर देन का साइन हटा देंगे, अब कॉमा लगा के लिख देंगे 2.13, क्योंकि ऑलरेडी हमने बताया है कि ये नंबर किस ऑर्डर में लिखें, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये ग्रेटेस्ट है, उससे स्मॉलर कौन सा है, 2.1, फिर 2.01, फिर 1.93, फिर 1.9 और लास्ट में 1.87। इस तरह से गिवन नंबर को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ये इसका आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब डी में लिखा है 55.5, 55.05, 55.05, 55.05, 55.55। तो होल पार्ट कहाँ पे ग्रेटर है, जहाँ पर 55 लिखा हुआ है, ये और ये। अब इन तीनों में ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, तो देखिए 55.5 है, यहाँ 55.0 है, तो इन दोनों में तो ये ग्रेटर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, तो 55.5 और यहाँ 55.55, इसके सेकंड डेसिमल प्लेस में कुछ नहीं, दैट मीन 0 है यहाँ पर और यहाँ पर 55 लिखा हुआ है, तो इन दोनों में ग्रेटर कौन सा हुआ, ये हुआ, ये पहले नंबर पे आ जाएगा, नंबर 2 पे ये आएगा और नंबर 3 पे ये आएगा। अभी हम उनको देख रहे हैं जहाँ पर होल पार्ट 55 है, क्योंकि होल पार्ट जहाँ पर 55 है वो बाकी डेसिमल से ग्रेटर है, जहाँ पर होल पार्ट सिर्फ 5 है। तो यहाँ पहले नंबर पे इसे लिखेंगे, फिर सेकंड नंबर पे इसे और थर्ड नंबर पे इसे, तो लिख लेते हैं। अब देखेंगे जहाँ पर होल पार्ट 5 है उनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है, तो 5.05, 5.05, 5.05, तो यहाँ पर देखिए 5 पॉइंट के बाद 5.5 लिखा है, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक 5 है, तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा होगा, ये ग्रेटर होगा। तो पहले इसी को लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 5.55,
और यहाँ पर उसके बाद कौन सा आएगा 5.5 और लास्ट में आएगा 5.05, क्योंकि इसके फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे जीरो लिखा हुआ है, ये स्मॉलेस्ट होगा 5.05। अब हम लिखेंगे डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर, अब ये ग्रेटर का साइन हटा देंगे और कॉमा करके लिख देते हैं इसको फाइनल आंसर को 55.55, 55.5, 55.05, इन सभी में होल पार्ट क्या है 5। इसके बाद वो नंबर आएंगे जिन पे होल पार्ट 5 है, तो 5.55, 5.5, 5.05। इस तरह से हमने गिवन डेसिमल्स को अरेंज कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट पहले आएगा। तो यहाँ क्या देखते हैं, होल पार्ट में 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। तो जहाँ पर होल पार्ट 0 है वो डेसिमल्स स्मॉलर होंगे उन डेसिमल से जिनके होल पार्ट में अदर नंबर है। तो यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है। अब इन तीनों में ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, तो यहाँ फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 0 है, यहाँ फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 6 है और यहाँ पे फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 0 है। तो इन तीनों की बात करें तो ग्रेटर कौन सा होगा 6.6। तो पहले लिख लेते हैं 6.6, ये ग्रेटर है इन दोनों से। अब इनकी इनकी बात करते हैं तो सेकंड डेसिमल प्लेस पे 6 है और यहाँ सेकंड डेसिमल प्लेस पे 0 है, तो 6 वाला ग्रेटर होगा। तो इन दोनों डेसिमल्स में 6.606 ये ग्रेटर है, इसके बाद ये आएगा 6.006। अब उन डेसिमल्स की बात करेंगे जहाँ पर होल पार्ट 0 है, तो 0.66, 0.06, 0.6, तो इन तीनों में ग्रेटर कौन सा होगा 0.66। यहाँ पर 0.6 है, यहाँ कोई डिजिट नहीं, दैट मीन्स 0 है, तो 0.60 और 0.66 में ग्रेटर कौन सा होगा 0.66, उसके बाद होगा 0.6 और लास्ट में होगा 0.06। अब ग्रेटर का साइन हटा देंगे और लिख देंगे कि डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर, कॉमा लगा के लिख लेंगे, डेसिमल्स डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्या होंगे 6.6, 6.006, 6.006, 0.66, 0.06। ये आंसर होगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। एफ में जो डेसिमल्स लिखे हुए हैं वहाँ पे सभी जगह होल पार्ट क्या है 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दैट मीन्स सभी जगह 2 लिखा हुआ है। अब फर्स्ट डेसिमल प्लेस देखते हैं तो यहाँ 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है। तो हम उन डेसिमल्स को कंपेयर करेंगे जहाँ पर फर्स्ट पार्ट पे, फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 2 है, तो ये 2.2 और 2.2। सेकंड डेसिमल प्लेस पे 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 0 है, तो इन दोनों में ग्रेटर कौन होगा, पहले 2.22 आएगा, उसके बाद उससे स्मॉलर होगा 2.2। तो इन्हें लिख लेते हैं। अब कंपेयर होगा सेकंड डेसिमल प्लेस पे यहाँ 0 है और जो रह गए हैं, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो जहाँ पर 2 है वो बाकी दो से ग्रेटर होगा, तो 2.02 है, यहाँ पर 2.021 है, तो इन दोनों में ग्रेटर कौन सा होगा, ये होगा। तो पहले कौन सा आएगा 2.021 और उसके बाद आएगा 2.02। अब हमारे पास बचते हैं दो डेसिमल्स जिनका कंपेरिजन करना है। अब इनमें कंपेरिजन करना है 2.002 और 2.012 में कौन सा ग्रेटर होगा, तो इसके सेकंड डेसिमल प्लेस पे 0 है, इसके सेकंड डेसिमल प्लेस पे 1 है, तो ये ग्रेटर होगा। तो 2.012 पहले आएगा और लास्ट में आएगा 2.002। इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। अब ये ग्रेटर देन का सिंबल हटा देंगे और इन्हें कॉमा लगा के लिख देंगे। डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर 2.22, फिर कॉमा 2.2, फिर 2.021, फिर कॉमा 2.02, फिर 2.012, फिर ये कॉमा और लास्ट में 2.002। इस तरह से हमने अरेंज कर लिया, ये इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर डेसिमल्स दिए हैं जहाँ पर होल पार्ट 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो वो डेसिमल ग्रेटर होंगे जहाँ पर होल पार्ट 2 है। तो 2.6, 2.06, 2.006 इनमें कंपेयर करेंगे तो पहले कौन सा आएगा 2.6, ये ग्रेटर होगा, इससे स्मॉलर क्या होगा 2.06 और इससे स्मॉलर होगा 2.06
0.006। अब बात करेंगे उन डेसिमल्स का जहां पर होल पार्ट वन है, तो 1.9, 1.09, 1.009। तो इन तीनों में ग्रेटर कौन सा होगा? 1.9। इससे स्मॉलर होगा 1.09 और इससे स्मॉलर होगा 1.009। अब ये ग्रेटर का साइन हटा देंगे और कॉमा लगा के हम लिख देंगे कि नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर, डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर, तो 2.6। अब ये साइन हटा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं 2.06, ये इसको भी कॉमा लगा देते हैं 2.006, फिर ये 1.9, फिर ये 1.09 और ये लास्ट में 1.009। इस तरह से जे में जो डेसिमल्स दिए थे उन्हें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, इसी के साथ एक्सरसाइज 40 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।